अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरा नाम ज़ाकिर हुसैन है, डेली इंडिया से। और 13 अप्रैल 2020 लॉकडाउन का समय है, लोग बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं, कारोबार लोगों के बंद हैं। दोस्तों, ये वीडियो ख़ास तौर से मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इस वक्त, ऐसे वक्त में जबकि हमें ईश्वर से, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, उससे डरना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए, ऐसे वक्त में हम कई हमारे हिंदू भाई, कई हमारे मुसलमान भाई एक दूसरे को गालियां देने में लगे हुए हैं, वीडियो बनाते हैं और गंदी गंदी गालियां देते हैं एक दूसरे को। दोस्तों, ये बहुत ही इंसान के ख़राब और घटिया होने की पहचान है। हमें कोई इजाज़त नहीं है कि हम किसी को गाली दें, उसे बुरा भला कहें, माँ बहनों की गालियाँ दें। इसके मज़हब में ऐसा लिखा है, अगर कोई इंसान गलती भी कर रहा है, हमें उसको भी इजाज़त नहीं है कि उसको हम बुरा भला कहें, गालियाँ दें। दोस्तों, कभी हम इज़्ज़तदार नहीं बन सकते, कभी हम अच्छे नहीं बन सकते, कभी हम स्मार्ट नहीं बन सकते। हम स्मार्ट बनना चाहते हैं और दूसरों को गालियाँ देते हैं, हम अच्छे बनना चाहते हैं और दूसरे भाइयों को गालियाँ देते हैं, हम इज़्ज़तदार बनना चाहते हैं और दूसरे भाइयों को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। दोस्तों, ऐसे कैसे हो सकता है? दो नुकसान हमारे 100% हैं। एक तो हम अल्लाह की, ईश्वर की निगाह में बिल्कुल गिर जाएंगे, दूसरा लोगों की नज़र में इज़्ज़त बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि ये तो गंदा आदमी है, ये तो गालियाँ देता है हिंदुओं को, ये तो गालियाँ देता है मुस्लिमों को। दोस्तों, इस चीज़ को हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, हमें अपने रब से, अपने ईश्वर से तौबा करनी चाहिए जितने भी हमने गुनाह के काम किए हैं, और हमें हिर्स करनी चाहिए उन अच्छे लोगों की जो अच्छे काम कर रहे हैं। अगर हम इज्जत कमाना चाहते हैं तो दोस्तों, हमें अच्छे काम करने पड़ेंगे, इस ज़ुबान से हमें अच्छे अल्फाज निकालने पड़ेंगे, तभी हम किसी सामने वाले का, अपने दुश्मन का, अपने पड़ोसी का, किसी भी इंसान का दिल जीत सकते हैं ज़ुबान से अच्छे अल्फाज निकाल कर। और अगर हमने अपनी ज़ुबान से गंदे अल्फाज निकाले, बुरा भला कहा, तो हमारी बरसों की बनाई हुई इज्जत मिनटों में ख़त्म। तो दोस्तों, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ऐसा बिल्कुल काम नहीं करें, अपनी इज्जत की हिफाजत करें, और इस तरह की जो भी हरकत करता है तो उससे भी प्लीज़ मना करें। हमेशा अच्छा सोचें ताकि अल्लाह, ईश्वर आपके लिए अच्छा करे। हमेशा लोगों के साथ अच्छाई करें ताकि आपके साथ कुछ अच्छा हो। हमेशा लोगों की इज्जत करें ताकि अल्लाह, ईश्वर आपकी इज्जत बढ़ाए, दुनिया में आपको इज्जतदार बनाएगा 100% अगर आप लोगों की इज्जत करेंगे, लोगों के साथ अच्छा करेंगे, लोगों के साथ भला करेंगे। तो प्लीज़, आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप इस तरह की वीडियो बनाकर ना डालें और लोगों को अच्छी बातों की तरफ बुलाएं और लोगों की मदद करें। ये ऐसा वक्त चल रहा है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।